फ्रेंड्स, आज के इस कंपटीशन वाले जमाने में जिंदगी की रेस में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। इसी हुड़दंग में लोग किसी न किसी पर हावी हो जाते हैं, यानी दूसरे पर्सन को दबाना चाहते हैं, अपनी अंडर करना चाहते हैं और दब भी जाते हैं। पर यह सोचने वाली बात है कि हम दबेंगे नहीं तो वो कैसे दबाएंगे। अब वो जमाना गया जब एक अपने आप को भगवान समझकर दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करके अपनी मनमानी करता रहता था और सामने वाला बेचारा बनकर उसकी मनमानी बर्दाश्त करता रहता था। आज के जमाने में अगर आप भी दब रहे हो तो आप यह सोचिए कि आप अपने माइंड को स्ट्रेस तो दे ही रहे हो और इस कंपटीशन वाले युग में सफल भी नहीं हो सकते। लोग बहुत स्मार्ट हैं, स्मार्टनेस हमें भी आनी चाहिए। हम हमेशा डरते रह जाते हैं कि हमने अगर ना की तो वो हमसे नाराज ना हो जाए, वो इस बात पर गुस्सा ना मान जाए और कॉम्प्रोमाइज करके अपने मन की परवाह किए बिना उसके अंडर रहते हैं, जिससे लोग फायदा उठाते रहते हैं। अगर आपको कोई दबा रहा है या आपको रोकने की कोशिश कर रहा है तो आपको उन पर तरस खाकर मन ही मन खुश होना चाहिए कि वो आपको इसलिए दबाने की या किसी काम से रोकने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वह आपसे डर रहा है। ऐसे लोगों की बातें दिल पर मत लो। ऐसे लोग इनसिक्योर या जेलिस होने की वजह से ऐसा करते हैं। उनके मन में कई तरह की चीजें घूम रही होती हैं, जैसे अगर यह मुझसे ऊंचा उठ गया तो मुझे नीचा दिखा देगा, या ज्यादा अमीर हो गया तो मुझे दबाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए। अगर पॉसिबल ना हो तो आप उसे जवाब दिए बिना बस मुस्कुरा दें, वह अपने आप ही चुप हो जाएगा, जबकि आर्ग्यू करने से और नीचे गिरेगा। डिस्टेंस बनाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, फिर चुपचाप निकल जाओ। हर टाइम अवेलेबल भी मत रहो कि वो हमें फॉर ग्रांटेड ले लें और हमारी वैल्यू ना करें। इसलिए अपनी वैल्यू करवाना आपके हाथ में है। अपनी लाइफ ऐसी रखो कि आपके चेहरे का तेज सब बता दे और आपकी आवाज में ऐसा जोर होना चाहिए कि कोई आपसे फालतू की बात करने की हिम्मत ही ना कर पाए। आपकी एक नजर पर ही उसकी फालतू की बात गले में ही रुक जाए। इसलिए सच का साथ दो और दूसरों से कांपना और दबना बंद करो। किसी पर डिपेंडेंट होना भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है किसी से दबने का। इसलिए मेहनत करके कुछ बनो, दिन रात लगे रहो, अपने पैरों पर स्टैंड हो जाओ, खूब मेहनत करके बड़ा अचीव करो, क्योंकि लोग खैरियत तो कम है से ज्यादा पूछते हैं। इसलिए खुद को अंडर एस्टिमेट ना करके मेहनत करके कॉन्फिडेंस लाकर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाओ। फिर किसकी यह मजाल कि वो आपको झुका सके। अपने डिसीजन को भी स्ट्रॉन्ग रखें। अगर आप किसी बात या पर्सन के साथ खड़े होने का डिसीजन लेते हो तो उस पर स्ट्रॉन्ग रहो, जिससे आपको कोई दबा नहीं पाएगा। अपने काम में बिजी रहो कि आपको इन बातों से फर्क ही ना पड़े। अगर आप ने अपनी मेहनत से घर बनाते हो तो उसमें आप ही रहोगे ना। कोई आपसे घर मांगे तो क्या दे दोगे? नहीं। तो घर रूपी लाइफ में क्यों लोगों की इंटरफेरेंस टॉलरेट कर रहे हो? क्यों अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं रखते? क्यों अपना ओपिनियन देने से डरते हो? इसलिए लोगों से दबना छोड़कर सक्सेस अचीव करो। अपनी फैमिली, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो,
उठो और कुछ बन जाओ। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ये वीडियो और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की ऐसी ही नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay blessed, stay smiling.